ये हीटिंग थर्मोस्टेट है जो पानी की मोटरों में या कूलर की जो कंपनी की मोटरें आती हैं उनमें लगा रहता है, या मिक्सी की मोटर है उसमें भी लगता है। ये जब मोटर ज़्यादा हीट हो जाती है तो ऑटो कट कर देता है। इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं वो बताते हैं। ये मोटर है, इसकी कॉइल के पास में ये लगा रहता है, इसके दो वायर हैं। जो न्यूट्रल वायर है ये मोटर में डायरेक्ट चला जाता है और फेस वायर इसके थ्रू जाता है। ये जो स्विच काम करता है, जब मोटर ज़्यादा हीट हो जाती है तो ये मोटर को कट ऑफ कर देता है, जब मोटर वापस ठंडी होती है तो वापस ऑन कर देता है। इसकी टेस्टिंग कैसे होती है, ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को 10 किलो ओम्स पे या जहाँ पे कैपेसिटर वगैरह चेक करते हैं, डायोड चेक करते हैं वहाँ पे ले लें। उसके बाद में मल्टीमीटर के दोनों प्रोड थर्मोस्टेट के ऑटो कट के दोनों तरफ जोड़ दें। ये मीटर की दोनों प्रोड दोनों वायरों पे जुड़ गई, रीडिंग आ रही है। अब अपन इसको गर्म करेंगे, इसको हीटिंग देंगे तो ये डिस्कनेक्ट होगा। देखिए मल्टीमीटर पे कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब ये अभी कनेक्ट है। अब इस अपन इसको हीट करेंगे, मल्टीमीटर की तरफ देखिए डिस्कनेक्ट हो गया। जैसे ही ये गर्म होगा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब इसको वापस इसको दूर ले लेते हैं। अब ये जैसे ही ठंडा होगा वापस ऑन हो जाएगा। Yeah, I hear, I hear.